नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बंगाली कुजीन चचड़ी कैसे बनता है वो दिखाएंगे। और ये सरसों के तेल से ही बनता है। इसमें 2 चम्मच तेल डाल के पहले बड़ियों को तल लेते हैं, फिर उसको निकालने के बाद उसमें 5 फोरन डलता है। और 5 फोरन क्या होता है ये मैं बता दूँगी। अब इसमें हम एक एक करके सारी सब्जियां डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे, स्टर फ्राई होती रहेगी तब तक सभी सारी सब्जियां एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। ये 5 फोरन जो होता है ये 5 तरह के मसाले साबुत डालते हैं, जैसे सौंफ, कलौंजी, सरसों, जीरा, मेथी दाना, 5 मसाले हो गए। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी डालेंगे, उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, फिर धनिया, जीरा और थोड़ी सी मीठा, और उस पर नमक अपने स्वाद अनुसार डाल के चलाते रहेंगे। ये कम तेल में बनाते हैं इसलिए ये नीचे से लग न जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस मसाले को कच्चा न रहे इसलिए भूनते रहेंगे। और इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे, आपके जितना स्वाद अनुसार, तीखा चाहिए तो हरी मिर्च, नहीं तो ये सब्जी हल्की सी मीठी मीठी होती है। अब इसमें बैंगन हम डाल देंगे और हरी मिर्च। बैंगन जल्दी गल जाता है इसलिए मसाले अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर बैंगन डाल के थोड़ी सी चलाते रहेंगे। अब इसमें एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डालेंगे। अब सारे मसाले भूनने के बाद 1/2 कप पानी डाल देंगे। इसमें डालने के बाद इसको ढक देंगे और कम से कम 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे, जब तक सब्जियां गल ना जाए। अब जब सब्जी गल जाए तो उसमें हम उन बड़ियों को डाल देंगे जो हमने तेल में तल के अलग से रखा हुआ था, वो बड़ियां डाल देंगे तो सब्जी बनके आप समझ लो तैयार है।